सर, ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने ये सोचा कि सर हम आप कितने ऑथेंटिक हैं, आप अच्छा भी पढ़ाते हैं, जैसे आपको पता है मैं बहुत घटिया पढ़ाता हूँ, मैं बहुत कचरा पढ़ाता हूँ, तो उसका मतलब मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ। लेकिन अगर एक चीज अच्छी है तो हम उसको क्या कहेंगे, ये ऑथेंटिक है, ये जेन्युइन है, ये चीज अच्छी है। तो ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि वो कितना ऑथेंटिक है, कितना सच्चाई वाली बात है, कितनी वो चीज है। तो अब हम हदीस की सच्चाई को देख रहे हैं। सर, हम हदीस की सच्चाई को क्यों देख रहे हैं बेटा? इसलिए हम हदीस की सच्चाई देख रहे हैं कि आपको ये बात पता है कि कुरान की तो गारंटी अल्लाह ताला ने दी थी। सर, गारंटी कैसे दी थी? कि इंडीड वी सेंड डाउन दिस कुरान एंड वी विल श्योरली गार्ड इट फ्रॉम करप्शन। मतलब जैसे पुरानी बुक्स इंजील, तौरात, जबूर ये सारी करप्ट हुई, वैसे कुरान करप्ट नहीं होगा। लेकिन हदीस की तो कोई गारंटी नहीं है। और हदीस होता क्या है? बेसिकली हदीस आर द वर्ड्स एंड द एक्शंस ऑफ होली प्रॉफिट, और हमें उसको सेफ करना है। सर, सेफ क्यों करना है? इसलिए सही उस पे रखना है क्योंकि प्रॉफिट ने आपको बताया कि लास्ट सर्मन, जब उनका लास्ट बयान था अरफात के मैदान में, तो उन्होंने कहा था कि आई लीव यू बिहाइंड टू थिंग्स, कुरान एंड सुन्ना। इफ यू फॉलो दिस यू विल नेवर गो एस्ट्रे। अगर आपने दो चीजों को फॉलो करा तो कभी आप गलत राह पर नहीं जाओगे। तो हमें फॉलो करने की जरूरत है, इसलिए हम हदीस की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर आप क्या बताओगे कि हमारे पास मुहद्दितून आर द मास्टर्स ऑफ हदीस। सबसे पहले क्या बताओगे? मुहद्दितून आर द मास्टर्स ऑफ हदीस। जो हदीस के मास्टर्स होते हैं, जो हदीस को चेक करते हैं, हम उनको मुहद्दितून कहते हैं। अब वो जब हदीस को चेक करते हैं तो वो हदीस के दो पार्ट्स को चेक करते हैं। सर, वो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो बेटा, एक पार्ट होता है सनद और एक पार्ट होता है मतन। सर, एक पार्ट होता है सनद और एक पार्ट होता है मतन। सर, अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब ये पैराग्राफ पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मुहद्दितून क्या है? मुहद्दितून मास्टर्स ऑफ हदीस हैं, जो कि हदीस की ऑथेंटिसिटी को चेक कर रहे हैं। वो हदीस के दो पार्ट चेक करते हैं। एक होता है सनद, जिसको हम कहते हैं चेन ऑफ नैरेटर्स। अभी भी समझ नहीं आएगा। चेन ऑफ नैरेटर्स के बाद दूसरा पार्ट है मतन। मतन के अंदर आप क्या बताओगे? बॉडी ऑफ हदीस। अभी भी समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको एक एग्जांपल नहीं दूंगा। देखिए, सनद आपके पास है चेन ऑफ नैरेटर्स, मतन आपके पास क्या है? बॉडी ऑफ हदीस। सर, क्या मतलब? एग्जाम्पल दें। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि हदीस, जैसे कि आपने सुना होगा कि इस रिवायत में यह लिखा हुआ है कि होली प्रॉफिट ने यह चीज फरमाई, तो अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि या नैरेटेड फ्रॉम मलिक, Who narrated from Nafe, who narrated from Abdullah bin Umar, that prophet said. क्या मतलब इसका हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट है, हदीस तो प्रॉफिट कहते हैं, हदीस ने किसको, हदीस प्रॉफिट ने हदीस किसको बताई थी? प्रॉफिट ने हदीस बताई थी अब्दुल्ला बिन उमर को। किसको बताई थी? अब्दुल्ला बिन उमर को। अब्दुल्ला बिन उमर ने किसको नैरेट करा था? नाफे को। और नाफे ने किसको नैरेट करा था? मलिक को। और मलिक ने किसको नैरेट करा था? याया को। और याया ने हमें बताई, मतलब याया ने कोई एक बुक लिखी, उसमें लिखा याया नैरेटेड फ्रॉम मलिक, मतलब उसने मलिक से सुना। मलिक हु नैरेटेड फ्रॉम नाफे, नाफे से उसने सुना। हु नैरेटेड फ्रॉम अब्दुल्ला बिन उमर, जिसने अब्दुल्ला बिन उमर से सुना कि प्रॉफिट ने ये कहा, कि प्रॉफिट सेड। तो ये जितना भी ब्लैक पार्ट लिखा हुआ है, जितनी भी, ये तो चेन ऑफ नैरेटर्स होती है कि किसने किसको बताया। जैसे मैं आपको ये कहूं कि एग्जामिनर ये कहता है कि मैं आपको 10 out of 10 दे दूंगा, अब आप कहेंगे सर आपको किसने बताया? तो मैं कहूंगा कि मुझे जो है वो हमारी कैम्ब्रिज की मीटिंग हुई, कैम्ब्रिज की वर्कशॉप हुई, उस कैम्ब्रिज की वर्कशॉप ने मुझे बताया। उसके बाद फिर वो कहेंगे कि मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आपको किसने बताया, तो वो कहेंगे हमें हेड एग्जामिनर ने बताया। तो इस तरीके से फिर अगर आप लोग इन फ्यूचर टीचर बन गए तो क्या होगा कि आपसे जब पूछेंगे किसने बताया, तो आप बोलोगे हमारे टीचर ने बताया था, फिर उन्होंने किसको बताया। तो इस तरीके से जो चेन है उसको हम कहते हैं सनद। और मतन क्या होता है? जो बात हदीस के अंदर लिखी हुई है, जो बात होली प्रॉफिट ने हदीस के अंदर डिस्कस करी है, उस हदीस को हम क्या कहते हैं? उस हदीस को हम कहते हैं मतन। जैसे प्रॉफिट ने कहा एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस, इसी तरीके से प्रॉफिट ने बहुत सारी चीजें कही कि आपके पास प्रे एज यू सी मी प्रेइंग, उसके बाद नो प्रेयर इज एक्सेप्टेबल। तो जो भी बात प्रॉफिट कह रहे हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है, वो बात मतन कहलाती है, बॉडी ऑफ हदीस। और जो उससे पहले ये लिखा हुआ है कि इसने इससे नैरेट करा, उसने इसको नैरेट करा, ये सारी जो चीजें लिखी हुई है, ये हमारे पास किसके अंदर आ जाती है? ये हमारे पास आ जाती है आपके सनद के अंदर। तो सनद क्या होता है?
मतन क्या होता है, आपने इंट्रोडक्शन बता दिया। ये जो मुहद्दितून होते हैं ऑथेंटिसिटी के लिए दो पार्ट्स को चेक करते हैं, सबसे पहला पार्ट है सनद, दूसरा पार्ट है मतन। सनद की भी एग्जांपल आपको पता चल गई, मतन की भी एग्जांपल पता चल गई, तो ये आप लोगों के पास कहानी है। तो होपफुली आप लोगों को यहां तक की क्या हो गई होगी, समझ आ गई होगी। जिस जिसको समझ नहीं आया वो मुझे एन लिखकर भेजेगा, सर मुझे समझ नहीं आया एन, और अगर किसी को समझ आ गया तो वो चिल करे, सही है, उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। आप लोग बस एक मिनट का टाइम है, 9:42 हो रहे हैं, 9:43 तक का आप लोगों के पास टाइम है। चले अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखें मुहद्दितून का हमने बता दिया कि किस तरीके से ऑथेंटिसिटी चेक होती है। अब सनद पे क्या चेक्स होते हैं, सनद बेसिकली है चेन ऑफ नैरेटर्स। देखें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास सनद पे क्या चेक्स होंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो सनद में प्रॉफिट के बाद जो पहला पर्सन है, जो पहला पर्सन जो सनद में प्रॉफिट के बाद है वो कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट। सर कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट क्यों होना चाहिए, तो कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट क्या होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपके पास प्रॉफिट जिसको हदीस बताएंगे उसको देखकर बताएंगे। उस जमाने में जूम मीटिंग तो थी नहीं कि हम बाहर से सुन रहे हैं, या फिर उस जमाने के अंदर कोई भी ऐसी चीज तो थी नहीं कि प्रॉफिट ने कॉल पर बताया होगा, तो वो मिला होगा, और जो चीज होली प्रॉफिट से जो इंसान मिल जाता है उसको कंपेनियन कहते हैं। तो पहला पर्सन हमेशा कौन होना चाहिए, कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट। फिर हम चेक करते हैं कि चेन ऑफ ट्रांसमीटर ब्रोकन तो नहीं है, फिर हम ये चेक करते हैं कि उनकी मीटिंग पॉसिबल थी या मीटिंग पॉसिबल नहीं थी। सर ऐसा हम क्यों चेक करते हैं, देखें आपको ये मैं बात बताऊं, हम क्या बात कर रहे हैं, ये चेन ऑफ ट्रांसमीटर ब्रोकन थी या नहीं। देखें मैंने आपको बताया याया नरेटेड फ्रॉम नाफे, नरेटेड फ्रॉम मालिक, और ये सारी हमने पूरी वो पढ़ी। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर हमारा समझें एक बंदा है याया और एक बंदा है मलिक और एक बंदा है नाफे, ये तीन बंदे सही है, इनकी मुलाकात। अब याया जो थे वो 2000 में पैदा हुए और 2021 में उनकी डेथ हो गई, 2000 में पैदा हुए और 2021 में क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। बी जो पैदा हो रहे थे मलिक, वो 2023 में पैदा हुए और 2064 में उनकी डेथ हो गई। तो अगर हम एक चीज देखें तो हमें इसमें ये सीखने को मिलता है कि इनकी चेन ब्रोकन है, इनकी चेन ब्रोकन थी और मीटिंग पॉसिबल नहीं है। सर मीटिंग पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद देखें तो हमारे पास क्या है कि एक बंदा 2021 में इंतकाल फरमा चुका है और दूसरा बंदा 2023 में पैदा हो रहा है, तो कोई इंसानों वाली बात ही नहीं लग रही कि वो कैसे नैरेट कर सकते हैं एक दूसरे बंदे को। तो एक तो इंतकाल हो गया, कब्र से उठा के तो नहीं कर सकता, तो ये चेन ब्रोकन है। फिर अगर हम बात करें कि 2023 में ये पैदा हुए थे और 2064, अगर मैं नाफे की बात करूं तो वो 2048 में पैदा हुए थे और 2018 मर गए, तो इसमें चेन ब्रोकन नहीं है, इसमें मीटिंग पॉसिबल है, क्योंकि वो जब इंतकाल फरमा गए तो जब तक वो जिंदा हो चुके थे तब तक वो जिंदा थे, तो चेन ब्रोकन नहीं है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल आ जाए, अच्छा ये पेपर में नहीं बतानी होती, मैं सब आपको समझा रहा हूं। अगर ए बंदा है और एक बंदा है बी, ए बंदा पैदा हुआ 2000 के अंदर और इंतकाल फरमा गए 2022 के अंदर, बी वाले पैदा हो रहे हैं 2023 के अंदर और इंतकाल फरमा गए 2016। अब आप बोलोगे चेन तो ब्रोकन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अगर ए वाला मरते वक्त अपने पास हदीस देकर जा रहा है तो बी वाला उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक साल का होगा, नहीं सॉरी ये 2023 में इंतकाल हुआ और ये 2022 में पैदा हुए थे। तो अगर मैं देखूंगा 23 में इंतकाल फरमा रहे हैं और 22 में पैदा हो रहे हैं, तो एक साल का सिर्फ फर्क है। अब एक साल में क्या होगा, एक साल कोई बच्चा तो हदीस नहीं ले सकता ना कि वो छोटा सा बच्चा होगा और उसको जाके कोई हदीस बता रहा है और वो फिर आगे नैरेट करेगा। तो हम ये सारी चीजें कहते हैं कि वो एक मेच्योर एज में होना चाहिए, उसका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, तो वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। चले अब हमने डेट चेक कर ली, पर हम डेट चेक करते हैं कि देखें हमारे पास जो ए बंदा और बी बंदा उनकी मुलाकात पॉसिबल थी या नहीं। क्यों मुलाकात पॉसिबल का हम चेक करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया उस वक्त कोई जूम मीटिंग वूटिंग नहीं थी। तो हम अगर ए बंदा पाकिस्तान में, किसमें, पाकिस्तान में, बी बंदा है लंदन में, ए वाला पाकिस्तान से कभी लंदन नहीं गया, बी वाला लंदन से कभी पाकिस्तान नहीं आया, और इनकी कोई म्यूचुअल ट्रेवलिंग भी नहीं थी, जैसे कि दोनों दुबई में जाके मिल गए हो या दोनों कहीं और जाके मिल गए हो,
इसका मतलब क्या हुआ कि चेन ब्रोकन है, इनकी मीटिंग पॉसिबल थी नहीं। तो हम ये क्या करते हैं, हम उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, हम उनकी ट्रेवलिंग चेक करते हैं, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि चेन ब्रोकन तो नहीं है, मीटिंग पॉसिबल थी या नहीं थी, तो हम ये चीज चेक करते हैं। ये एग्जाम्पल्स पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्ड आंसर्स तो मिलेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को मिले हैं, बल्कि मिलेंगे क्या, सारी चीजें आप लोगों से। अब हमारे पास नैरेटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले नैरेटर की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसकी मेमोरी अच्छी हो। क्या हो? मेमोरी अच्छी। सर मेमोरी क्यों अच्छी हो? इसलिए अच्छी हो क्योंकि वो आपके पास एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर सके। अगर उसका रट्टा अच्छा होगा, वो अच्छे तरीके से याद करेगा, तो वो ये नहीं होगा कि मैं समझ लेता हूं फिर हदीस को अपने वर्ड्स में कर दूंगा, नहीं। तो हमारे पास मेमोरी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर सके। सर आपने तो हमें ये बात कही थी कि पेपर के अंदर आप एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिखो, समझ के लिख दो, तो ये तो सर फिर आप तो कुछ और ही कह रहे हैं। बेटा ये नैरेटर की बात हो रही है, ये हमारे पास उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। आप एक कैम्ब्रिज का पेपर दे रहे हो, उसके अंदर देखें, अगर एक नैरेटर, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, एक आपसे मैंने ये कहा कि आपके अब्बू का नाम क्या है, सही है, सही है। उसके बाद क्या हुआ, नहीं, जैसे मैंने अपने असिस्टेंट को कहा कि अपने जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैसेज करो और उनको कहो कि आपके अब्बू का नाम क्या है, वो आपको मैसेज करे कि तेरे बाप का नाम क्या है। मतलब क्या है, सेम है, मतलब सेम है कि भाई आपके अब्बू का ही नाम पूछ रहे हैं ना, लेकिन वर्ड्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। फिर आपके अगर असिस्टेंट का भी कोई अंदर असिस्टेंट है, वो बोलेगा कि हाँ तेरे बाप का, या कुछ इस तरीके का बोल देगा। तो हमारे पास एग्जैक्ट वर्ड्स क्यों कोट कर रहे हैं, एग्जैक्ट वर्ड इसलिए कोट कर रहे हैं ताकि हमारे पास जब हमारे पास हदीसें पहुंचे तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स में, उसमें कोई ऑल फॉल बात है। फिर हमारे पास है ये इंसान अच्छा होना चाहिए, उसका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, अगर उसका कंडक्ट अच्छा नहीं होगा तो हम हदीस नहीं लेंगे। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, हमारे पास एक नैरेटर होता है, वो हदीस कलेक्ट करने जाते हैं, तो जिस बंदे से वो हदीस कलेक्ट करने जा रहे होते हैं ना, तो वो अपने हॉर्स के साथ, अपने घोड़े के साथ जुल्म कर रहा होता है, कि मतलब उसको खाना नहीं दे रहा होता, तो उस बंदे से हदीस ही कलेक्ट नहीं की जाती कि अगर ये जानवरों के साथ जुल्म करता है तो ये कुछ भी कर सकता है, ये झूठ बोल देगा, ये हदीस झूठी दे देगा, तो इसलिए हदीस उससे नहीं की जाती। जो बंदा झूठ बोलता है उससे हदीस नहीं ली जाती, सच्चा इंसान होना चाहिए। एंड शुड नो फुल चेन ऑफ नैरेटर्स। मतलब क्या है, क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपने मुझसे पूछा सर आपको ये 10 out of 10 वाली बात किसने बताई, तो मैं आपको पूरी कहानी बताऊं कि मैं हेड एग्जामिनर के पास गया, फिर मेरे पास उसने इसने बताया, तो पूरी चेन पता होनी चाहिए ताकि हम आगे भी कोट कर सकें और वो फिर देख सकें कि ये चीज सही है या नहीं। तो ये नैरेटर्स की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सच्चा होना चाहिए, सारी चीजें, वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। तो ये नैरेटर्स की क्वालिटी हम चेक करते हैं, ये क्वालिटीज हैं या नहीं। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी, जिसको समझ नहीं आई वो एंड लिख कर भेज दे, और जिसको समझ आ गई वो चिल करे। इसके बाद अब हमारे पास है चेक ऑन मतन। मतन के ऊपर हम जो है वो क्या चेक करते हैं, तो वो हमारे पास क्या, अब हम पढ़ेंगे। तो मतन आपके पास क्या था, बॉडी ऑफ हदीस, जैसे अपने एक्शन था, जज्बा, इंटेंशन, ऐसी चीजें। सबसे पहले ये है कि हदीस के अंदर जो बात लिखी गई हम उसको मतन कहते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि हदीस कभी भी कुरान के अगेंस्ट नहीं जाएगी। सर क्यों नहीं जाएगी, कि कुरान खुद कहता है ही डज नॉट स्पीक फ्रॉम हिज ओन, इट इज नॉट बट अ रेवलेशन रिवील्ड, वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि वो चीज है जो कुरान के अंदर लिखी हुई, अल्लाह ताला जो नाजिल करे, और कुरान भी अल्लाह ताला की तरफ से था, वो कभी गलत नहीं हो सकता। हजरत आयशा ने क्या फरमाया, प्रॉफिट इज अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ होली कुरान, कुरान खुद फरमाता है ही हू ओबेज द मैसेंजर ओबेज अल्लाह, या फिर ओबे अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। तो हमें ये बात पता चलती है कि कुरान और हदीस कभी भी दो अलग राहों पर नहीं जा सकते। फिर वो रिलायबल हदीस के भी अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए। रिलायबल हदीस के अगेंस्ट का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट कभी भी दो बातें नहीं करेंगे, कि प्रॉफिट ये नहीं कहेंगे कि एक जगह पे प्रॉफिट कह रहे हैं कि भाई 5 नमाजें पढ़ लो, प्रॉफिट एक जगह पे कह रहे हैं कि भाई 6 नमाजें पढ़ लो, प्रॉफिट एक जगह पे कह रहे हैं नहीं 7 नमाजें पढ़ लो। हम उसको फॉलो करेंगे जो रिलायबल हो, जिसकी बातें ज्यादा हो, जैसे जिसकी हमें गवाही ज्यादा मिल रही हो, कि हम उसको फॉलो करेंगे। हम उसको तो नहीं फॉलो करेंगे जिसकी गवाही नहीं मिल रही। तो हमारे पास रिलायबल हदीस के कभी भी अगेंस्ट नहीं जाएंगे। फिर हमेशा हदीस के अंदर हमेशा कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो कॉमन सेंस वाली हो, उसके अंदर कोई ऐसी ना हो कि जैसे कोई हदीस ऐसे है कि सीख नॉलेज एज फार एज चाइना, कि चाइना तक जाकर क्या करो, अपनी नॉलेज गेन करने की करो। तो ये ऐसी बातें कि उस वक्त तो चाइना बना भी नहीं था, तो हमारे पास ये वीक हदीसों में आ जाती है। तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि उसके अंदर ऐसी बात हो कि जो लोगों को समझ आए, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा, देखें प्रॉफिट का काम तो ऐसा प्रीचर,
एक टीचर है आपके पास, टीचर भी एक टीचर की तरह काम कर रहा है। एक टीचर है, एक टीचर आपको बहुत मुश्किल अल्फाजों में पढ़ा रहा है, आसान अल्फाजों में नहीं पढ़ा रहा। जैसे मैं बहुत मुश्किल अल्फाजों में पढ़ा रहा हूँ, आप बोलोगे यार कैसे टीचर है। तो आपके पास और एक टीचर, दूसरे एक्स वाई जी टीचर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो मुश्किल अल्फाजों में नहीं पढ़ाते, आसान अल्फाजों में। तो आप बोलोगे ये चीज अच्छी है। तो प्रॉफिट हमेशा वो कॉमन सेंस वाली बातें करेंगे जो आसान अल्फाजों में लोगों को समझ आ जाए, जो चीजें समझ आ जाए। तो इसलिए फिर आप ये बताओगे कि प्रॉफिट कभी भी प्रिसाइज डिटेल्स नहीं देंगे फ्यूचर इवेंट्स की। देखिए फ्यूचर इवेंट्स की डिटेल्स दे देंगे कि ये चीजें हो सकती है, ये चीज बताएंगे, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास नॉलेज होती है और वो बता दे देते। लेकिन प्रिसाइज डिटेल्स के इस गली में फलाना बंदा रहता होगा, वो एग्जाम में ए स्टार लाएगा, ऐसा नहीं होगा। कि अगर कोई भी हदीस ऐसी लिखी है जिसमें प्रिसाइज डिटेल्स नहीं है, वो हदीस पे हम थोड़ा सा डाउट करते हैं। कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें प्रॉफिट नहीं दियो, लेकिन हर इवेंट में ऐसा नहीं होगा कि प्रिसाइज डिटेल्स फ्यूचर की, क्योंकि वो फ्यूचर टेलिंग सिर्फ उस वक्त कर सकते थे जब अल्लाह ताला उनको पावर देते थे, वरना वो कोई प्रॉपर फ्यूचर नहीं बता सकते थे। सही है। फिर आप ये बताओगे कभी भी किसी भी हदीस में प्रॉफिट की फैमिली की डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी किसी भी हदीस के अंदर, कि उन्होंने ये कहीं पर नहीं कहा होगा कि ज़कात हम सैयद के लिए होगी या प्रॉफिट की फैमिली के लिए होगी, कभी भी कोई उलट बात नहीं होगी। क्योंकि प्रॉफिट ने कभी दूसरों के लिए उलट बात नहीं करी, तो प्रॉफिट अपनी फैमिली के लिए क्यों उलट बात करेंगे। फिर एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। आपने एथिक्स के अंदर पढ़ा कि प्रॉफिट जैसा इंसान दुनिया के अंदर कोई नहीं है, तो हमारे पास प्रॉफिट इज एन एग्जाम्पल टू फॉलो, तो वो कभी भी एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर हमारे पास ये है कि कभी भी हदीस पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटी बात पर, बहुत ही छोटी बात पर ये चीज फिक्स हो जाए, बहुत ही छोटी बात पर कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल जाए, बहुत ही छोटे उस पर बहुत बड़ी वो मिल जाए, या फिर बहुत ही छोटे सवाब पर, यहाँ पे आपके पास क्या हो कि बहुत ही छोटे उस पर सवाब पे आपको बहुत ही छोटे अच्छे काम पर बहुत ज्यादा सवाब मिल जाए, तो ऐसी नहीं होता। सर ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता सर, हमने तो कुछ रिवायतें ऐसी सुनी है कि छोटी चीज पर भी जन्नत। देखिए वो हमें एग्जाम्पल्स दी जाती है कि आप ये चीज करें, लेकिन गारंटी नहीं है, वो अल्लाह ताला का मामला है। कि अगर जैसे अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनकी एग्जाम्पल्स ये दी जाती है कि इसको इतनी छोटी सी बात पे दोजख मिल गई, इसको इतनी छोटी सी बात पे वो मिल गई, लेकिन कहीं पर भी गारंटी नहीं है कि गारंटी ये चीज होगी हो। तो ऐसी हदीस को याद है कि जिसमें गारंटी दी है कि अगर तुमने खड़े होकर पानी पी लिया तो तुम दोजख ही हो, छोटी सी उस पर। सही है तो हमें बैठ के पीना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाए। या फिर अगर ये आ जाए कि अगर आपने सिर्फ क्या कर दिया, अगर आप ए स्टार ले आए स्कूल का, नहीं, अगर आप जो है आपने अपने टीचर की रिस्पेक्ट करी तो आपको डायरेक्ट जन्नत मिल जाएगी, ऐसी गारंटी नहीं मिलेगी, मिल जाएगी शायद, लेकिन छोटी चीजों पर आपको बहुत बड़ा सवाब या छोटे से गुनाह पर बहुत बड़ा गुनाह, ऐसा नहीं होगा। फिर आपके पास जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो प्योर अरबिक में होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ से बिलोंग करते थे? अरब से बिलोंग करते थे। तो वो हमारे पास ये चीज हदीस के अंदर होनी चाहिए, मतन इसका ऐसा होना चाहिए। तो जिस जिसको समझ आ गया वो मुझे बताए कि सर हमें समझ बताए नहीं, चिल करे, और जिसको समझ नहीं आया वो मुझे कहे कि सर मुझे समझ नहीं आया, काइंडली मुझे वापसी समझा दो, तो मैं आपको वापसी समझा दूंगा। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ हदीस। सर टाइप्स ऑफ हदीस का मतलब ये है कि देखें आपने हदीसें देख ली, अब हदीस की हम कैटेगरी कर रहे हैं कि ये सर ये हदीस की कैटेगरी है, वो हदीस की कैटेगरी है, तो हम सारी कैटेगरीज कर रहे हैं। अब कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो पहली दो कैटेगरीज है वो हम किसके अकॉर्डिंग है? वो अकॉर्डिंग है वर्ड्स के अकॉर्डिंग। आसान अल्फाजों में ये है कि अगर मैं बात करूं कि वर्ड्स के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो वर्ड्स के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं कि अगर प्रॉफिट के वर्ड्स हैं, किसके वर्ड्स हैं? प्रॉफिट के वर्ड्स, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे अगर ये प्रॉफिट के वर्ड्स हैं तो ये, और अगर वो अल्लाह के वर्ड्स हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक है हदीसे कुदसी और एक है हदीसे नबवी। अगर मैं हदीसे कुदसी की बात करूं तो हदीसे कुदसी के अंदर क्या होते हैं? वर्ड्स अल्लाह ताला के होते हैं, होती वो हदीस ही है। आप ये बताओगे वो हदीस अल्लाह ताला रिवील करते हैं प्रॉफिट के अंदर, किसके ऊपर रिवील करते हैं? प्रॉफिट के ऊपर। जैसे ही हदीस अल्लाह ताला पे रिवील होती है प्रॉफिट के ऊपर, तो आप ये बताओगे कि वो अल्लाह ताला बता देते थे ये कुरान का पार्ट नहीं है, कि मतलब वो कुरान का पार्ट नहीं है, वो कुरान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि रेवलेशन तो कुरान में भी आती है। तो हमारे पास ये कि अल्लाह ताला ने रिवील करा और बता दिया कि कुरान का पार्ट नहीं है, ये डिवाइन हदीस मतलब अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो अल्लाह ताला के होते हैं। जैसे कि फास्टिंग इज फॉर मी एंड आई विल कंपेंसेट इट, तो हम फास्टिंग अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं।
फास्टिंग इज फॉर मी एंड आई विल कंपेंसेट। अब अगर ये प्रॉफिट कहते तो उसमें मी अगर लिखा हुआ होता तो मी प्रॉफिट के लिए तो हम फास्टिंग नहीं कर रहे। ऑब्वियस ही बात है, प्रॉफिट की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो तो अल्लाह ताला है। उसके बाद हमारे पास ये इफ माय सर्वेंट्स लाइक्स टू मीट मी, अब मेरे सर्वेंट मेरे गुलाम लाइक्स टू मीट मी आई विल लव टू मीट हिम। अब आप बोलेंगे सर इसके अंदर तो ये तो प्रॉफिट की बात लग रही है क्योंकि हम तो अल्लाह ताला से मुलाकात कर ही नहीं सकते। बेटा इसके अंदर देखें प्रॉफिट की हो चुकी है, प्रॉफिट क्या हो गई है, प्रॉफिट की डेथ हो गई है। अब प्रॉफिट से तो हम मुलाकात नहीं कर सकते, वो हो सकता है कि हमारे ख्वाब में, जैसे होता है कि बहुत सारे लोगों को ख्वाब में प्रॉफिट आते हैं। तो हमारे पास इफ माई सर्वेंट्स लाइक्स टू मीट हिम आई विल लव टू मीट हिम, ये किसकी बात हो रही है, ये अल्लाह ताला की बात हो रही है। मतलब ये है कि अगर हम अल्लाह ताला से लगन लगाएंगे, हम अल्लाह ताला से प्यार करेंगे, हम अल्लाह ताला की फॉलो करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे मिलना पसंद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं अल्लाह ताला आपको इंतकाल कर देंगे और बोलेंगे चलो आ जाओ मुलाकात करते, नहीं। अल्लाह ताला क्या करेंगे, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात इस तरीके से करेंगे, अल्लाह ताला आपसे क्लोज हो जाएंगे, आपको थॉट्स वो आएंगे, अच्छे थॉट्स आएंगे। हमेशा याद रखो जब जो बंदा नमाज पढ़ता है ना, 5 वक्त की जो नमाज पढ़ेगा, जो अच्छा स्टूडेंट होगा, उसके साथ क्या फायदा होता है, उसके साथ फायदा ये होता है कि हमेशा उसके थॉट्स अच्छे आएंगे। जो बंदा नमाज पढ़ेगा उसके थॉट्स अच्छे होंगे, जो नमाज नहीं पढ़ता होगा जैसे 3 वक्त पढ़ रहा है 2 वक्त, उसके फिर भी थॉट्स थोड़े बुरे होंगे। तो हमारे पास क्या अल्लाह ताला हमें वो करेंगे, हदीसे कुदसी क्या होती है, आसान अल्फाज में समझ लो जिसमें वर्ड्स अल्लाह ताला के हैं वो हदीसे कुदसी। और एक हदीस हमारे पास है जो कि हदीसे नबवी है। हदीसे नबवी के अंदर वर्ड्स किसके होते हैं, प्रॉफिट के वर्ड्स होते हैं, जैसे कि प्रे एज यू सी मी प्रेइंग। अब हम प्रॉफिट को देखकर ही नमाज पढ़ेंगे ना, हम अल्लाह ताला को देखकर तो नमाज नहीं पढ़ सकते, तो नो प्रेयर इज एक्सेप्टेड, जैसे प्रे एज यू सी मी प्रेइंग, या फिर कुछ ऐसे वर्ड जिसके अंदर हमें पता चलता है ये प्रॉफिट के क्या है वर्ड्स। अब हमारे पास क्या है, इसमें 2 कैटेगरीज, ये जो हमने फर्स्ट 2 कैटेगरीज पढ़ी ये डिपेंड करती थी ऑन वर्ड्स। अगर अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हदीसे कुदसी, और अगर मैसेंजर के वर्ड्स हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हदीसे नबी। बस ये चीज है और कुछ भी नहीं, कि हमारे पास अगर वो अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं तो हदीसे कुदसी कहलाएगा, और अगर वर्ड्स किसके हैं प्रॉफिट के तो हदीसे नबी कहलाएगा। जिसको ये बात समझ नहीं आई उनसे क्वेश्चन कर सकता है, और जिसको समझ आ गई वो क्या करे। इसके बाद हमारे पास है सही हदीस। अब ये जो हम कैटेगरीज पढ़ेंगे ना, अब ये जो 4 कैटेगरीज पढ़ेंगे, हम ऑथेंटिसिटी जो हमने चेक करी ना कि इतने परसेंट टेस्ट हो रहे हैं, सनद मतन का टेस्ट हो रहा है। अब सबसे पहले हमारे पास है सही हदीस। अगर हम सही हदीस की बात करें तो सही हदीस के अंदर क्या है, आप ये बताओगे इट इज अ जेन्युइन हदीस। जैसे कि आप कहोगे कि सर यूसुफ तो जेन्युइन नहीं है यार, बहुत ही घटिया पढ़ाते हैं, बहुत ही कचरा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर एक अच्छे टीचर है तो आप कहोगे कि नहीं यार, दूसरे XYZ टीचर के जेन्युइन है, अच्छे टीचर है। तो जेन्युइन क्या है, बिल्कुल 100% परफेक्ट। तो 100% जो बंदा टेस्ट पास कर ले, मतलब बंदा नहीं, मतलब जो हदीस 100% टेस्ट पास कर ले सनद और मतन के, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सही हदीस। कौन सी हदीस, सही हदीस। आप ये बताओगे इट इज अ जेन्युइन हदीस। जो हदीस आपकी 100% टेस्ट पास कर ले उसको हम कहते हैं कि ये सही हदीस है, इसमें कोई डाउट नहीं होता, ये 100% परफेक्ट है। इसकी एग्जांपल क्या है, मेक विंटर प्रेयर एज योर लास्ट प्रेयर एट नाइट। अब बच्चे का सवाल आता है कि अगर सर मैं 17 रकाते पढ़ रहा हूँ तो उसके अंदर लास्ट प्रेयर विंटर नहीं होगी, अगर मैं 9 पढ़ रहा हूँ तो लास्ट क्या होगी, वो होंगी। सर बहुत सारे लोग 11 भी पढ़ते हैं तो क्या होता है कि वो भी वितर एंड में नहीं होती, तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये 100% परफेक्ट है, उसमें लिखा हुआ है मेक वितर प्रेयर और लास्ट प्रेयर एट नाइट। देखिए आपने ये बात समझनी है कि जब आपके पास नमाज की बात हो रही होती है ना, तो जो रकात काउंट की जाती है जिसकी बात होती है, वो एक चीज होती है फर्ज और एक चीज होती है वितर। इसके अलावा जो आप सुन्नत पढ़ते हो ना, वो आपके ऊपर फर्ज नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ते हैं क्योंकि प्रॉफिट। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। बच्चे ये कहते हैं कि सर फिर सुन्नत हम क्यों पढ़ते, सुन्नत हम छोड़ दिया करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास किसकी नमाज है, आपके पास असर की नमाज है। सबसे पहले हम आ जाते हैं फजर में। फजर में 2 सुन्नत होती है, 2 फर्ज होती है। बहुत सारे लोग सिर्फ 2 फर्ज पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फजर में 2 सुन्नत भी पढ़ना जरूरी होता है। हम जोहर, लेकिन फिर भी अगर आप 2 फर्ज भी पढ़ लो, बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर आप 2 फर्ज भी पढ़ लो सही है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, जोहर की, तो जोहर के अंदर हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट है भी तो 10 रकात तक का शॉर्टकट है,
उससे अलावा कुछ छोटा शॉर्टकट अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि उसमें हमने कहीं चार पढ़ लिए इस तरीके से, चार सुन्नत पढ़ रहे हैं, चार फर्ज पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। फिर अगर हम बात करें असर की, तो असर में आठ रकाते हैं, शॉर्टकट ये है कि चार पढ़ ली, चार फर्ज। उसके बाद मगरिब है, मगरिब के अंदर सात रकाते हैं, शॉर्टकट ये है कि आपने तीन पढ़ ली, पांच पढ़ ली, ये शॉर्टकट है। आपके ईशा की है सत्रह सत्रह, उसके अंदर शॉर्टकट ये नौ और ग्यारह वाला शॉर्टकट चलता रहता है। अब ये शॉर्टकट से आप वितर प्रेयर अगर आप बात कर लो उसकी, सत्रह रकाते सर मैं पूरी पढ़ रहा हूँ, तो उसके अंदर जो आप एंड में दो पढ़ रहे हो वो ना फर्ज है ना वो वितर है, तो लास्ट कौन सी भी वो वितर ही है। अगर आप ग्यारह पढ़ रहे हो तो जो दो पढ़ रहे हो, नौ के बाद जो आप दो पढ़ रहे हो, ना वो आपके पास फर्ज है ना वो वितर है, तो वितर ही आपकी लास्ट में। अगर आप नौ पढ़ रहे हो तो वितर ही थी, तो मेक वितर प्रेयर एज लास्ट प्रेयर एट नाइट, तो ये बात सही है कि भाई लास्ट प्रेयर आपकी वितर ही होती है, उसके अलावा कोई नहीं होती। तो सही हदीस की एग्जाम्पल ये होगी, सही है। फिर हमारे पास है हसन हदीस। हसन हदीस क्या होती है? वो हदीस के जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हदीस है, मतलब ये हमारे पास 100% टेस्ट पास नहीं करती। स्ट्रॉन्ग हदीस का मतलब ये है कि ये 85-90% टेस्ट क्या कर लेगी? पास। सही है, पूरे 100% नहीं करेगी, इसमें कुछ डाउट्स होंगे, स्मॉल डाउट्स, जैसे कि नैरेटर की मेमोरी में थोड़ा सा डिफेक्ट होगा, जैसे थोड़ा सा भुलक्कर होगा, थोड़ा सा वो चीजों को भूल जाता होगा। तो इस तरीके की जो हदीसें होती हैं उसके अंदर हम उस हदीस को कहते हैं हसन हदीस। कौन सी हदीस? हसन हदीस। फिर हमारे पास सर इसकी एग्जांपल क्या है? ही हु मिस थ्री जुम्मा प्रेयर्स अल्लाह विल प्लेस सील ओवर हिज हार्ट। सर क्या मतलब? आप कभी ये चीज ट्राई कर लेना, वैसे ट्राई करनी नहीं चाहिए। देखिए आपके पास नमाज फर्ज है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हम कहते हैं कि ये तो जुम्मा जुम्मा नमाज पढ़ता होगा, कि मतलब अगर पूरा साल भी नमाज नहीं पढ़ते ना तो जुम्मा नमाज पढ़ लेते और ईद की नमाज पढ़ लेते। अगर किसी बंदे ने देखिए, अगर वो जुम्मे की नमाज पढ़ रहा है ना तो उसके अंदर इंसानियत होगी, उसका दिल अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने तीन तीन नमाजें जान पूछ कर छोड़ दी, एक चीज है कि भाई गलती से छूट रही है, एक है जान पूछ के अगर किसी बंदे ने तीन जुम्मे की नमाजें छोड़ दी, तो अल्लाह ताला उसके दिल पे क्या डाल देंगे? सील डाल देंगे। मतलब ये है कि उसका फिर दिल वापसी आना अल्लाह ताला की तरफ से, देखिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन उसका दिल जो है ना वो इस तरीके का हो जाएगा, इतना कमजोर उसका ईमान हो जाएगा कि वो वापसी अल्लाह ताला की तरफ राकिब नहीं हो सकेगा, टाइम लगेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। तो हसन हदीस कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग हदीस। 85-90% टेस्ट क्या करेगी? पास करेगी सनदन मतन के। स्मॉल डाउट्स होंगे नैरेटर की मेमोरी में, जैसे एग्जांपल क्या है, नैरेटर की मेमोरी में थोड़ा सा डिफेक्ट होगा कि वो थोड़ा सा वीक मेमोरी होगी इसकी। ही हु मिस थ्री जुम्मा अल्लाह विल प्लेस सील ओवर हिज हार्ट, ये हसन हदीस की क्या है? एग्जाम्पल। फिर हम आ जाते हैं ज़ईफ। ज़ईफ अगर हम बोले तो बुरे लोगों को बोलते हैं, मतलब जो थोड़े से बुढ़े हो जाते हैं। तो ज़ईफ हदीस के अंदर हमारे पास क्या है? ये वीक हदीस है। वीक हदीस का मतलब ये है कि ये हमारे पास वीक हदीस है कि ये सारे परसेंट टेस्ट पास नहीं कर रही। जैसे अगर हम कहें कि एक एवरेज स्टूडेंट है वो कितने परसेंट मार्क्स ला रहा होगा, वो मार्क्स ला रहा है कि 60% टेस्ट पास कर रहा है। अगर वो 60% टेस्ट पास कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारे पास वीक हदीस। अब वो 60% टेस्ट पास कर रहा है किसके? सनद और मतन। तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाउट्स होंगे। स्ट्रॉन्ग डाउट्स क्या होंगे? कि नैरेटर झूठा हो सकता है, नैरेटर की मेमोरी बहुत ज्यादा वीक होगी, ऐसी होगी कि मैंने जैसे आप लोगों की मेमोरी है ना, जैसे बिल्कुल ही भुलक्कड़ हो, जितना पढ़ा लो पढ़ते ही नहीं हो, याद ही नहीं होता। तो इसी तरीके से उनकी भी मेमोरी क्या होगी? बहुत ज्यादा वीक होगी। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आप लोग एक दुआ पढ़ते हो, आप लोग एक दुआ पढ़ते हो कि हम क्या है कि जब हम लोग रोजा खोल रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हम जो है वो दुआ करते हैं, और उसके बाद फिर जब हम रोजा खोलते हैं तो भी हम एक दुआ पढ़ते हैं। तो उसकी जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन क्या है? आई फास्टेड फॉर यू एंड आई एम ब्रेकिंग फास्ट फॉर यू। जो हम ये पढ़ते हैं ना, ये वीक हदीस है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई गलत नहीं कर रहे। देखिए इसके अंदर हम कोई गलत बात तो नहीं कह रहे ना, हम इसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं कर रहे कि कोई चीज गलत। अब ये वीक हदीस है, इसको स्कॉलर्स बहुत सारे मानते हैं, कुछ स्कॉलर्स नहीं मानते, लेकिन ये वीक हदीस है। तो क्यों वीक हदीस है? क्योंकि इसकी या तो जिसने नैरेट करा होगा उसकी बहुत ज्यादा वीक मेमोरी होगी, इसमें थोड़े से डाउट्स ज्यादा होंगे, तो इसलिए ये ज़ईफ हदीस माना जाता है। फिर हमारे पास एक हदीस होती है जो कि मौजू हदीस होती है, जो कि फैब्रिकेटेड होती है, जिसमें बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं। मौजू हदीस कौन सी होती है? फैब्रिकेटेड हदीस। आप बताओगे मौजू हदीस वो हदीस है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डाउट्स है, सिर्फ वो 20% टेस्ट पास कर रही है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउट्स है। जैसे कि प्रॉफिट पे चेन ही खत्म नहीं हो रही, मतलब प्रॉफिट पे अगर चेन खत्म नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये हदीस तो प्रॉफिट की होती है और उसपे ही अगर चेन खत्म नहीं हो रही तो इसका मतलब तो इसमें बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि हदीस प्रॉफिट के अलावा तो किसी की नहीं होती, और अगर चेन ही प्रॉफिट पे खत्म नहीं हो रही मतलब प्रॉफिट ने बात कही नहीं है,
तो वो तो बिल्कुल ही मौजू हदीस हो गई ना, बिल्कुल ही फैब्रिकेटेड हो गई। फैब्रिकेटेड का मतलब किसी ने बनाई बनी बनाई हदीस बना दी है। इसकी एग्जाम्पल क्या, सीख नॉलेज एज फार एज चाइना, द इंक ऑफ स्कॉलर, सीख नॉलेज एज फार एज चाइना, चाइना जाकर भी आप लोग क्या करो, नॉलेज गेन करो और ये सारी चीजें, द इंक ऑफ स्कॉलर। अब ये वाली दूसरी हदीस, द इंक ऑफ स्कॉलर मतलब ये है कि जो बंदा मेंटल जिहाद कर रहा है इज मोर होलियर देन द ब्लड ऑफ मार्टियर, जो बंदा फिजिकल जिहाद कर रहा है, स्वॉर्ड से लड़ रहा है, जो जाके जंग लड़ रहा है, वो ज्यादा होलियर नहीं है, बल्कि जो पेन से जिहाद कर रहा है वो ज्यादा होलियर है। ये बात पे कोई बिलीफ नहीं करता, सही है। तो ये हमारे पास मौजू हदीस है। तो जो आपने 3 to 6 कैटेगरीज पढ़ी, जैसे कि सही हदीस पढ़ी, हसन हदीस पढ़ी, मौजू हदीस पढ़ी, ज़ईफ हदीस पढ़ी, मौजू हदीस, ये सारी कैटेगरीज किस पे डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं ऑन द टेस्ट ऑफ सनद एंड मतन, कि अगर वो 100% टेस्ट पास कर रही है तो आपके पास सही हदीस हो गई, अगर वो आपके पास 80% टेस्ट पास कर रही है तो हसन हो गई, उसके बाद अगर वो कम पास कर रही है तो वो हमारे पास कौन सी हो गई, ज़ईफ हो गई 60%, और अगर वो सिर्फ 20% पास कर रही है तो वो हमारे पास कौन सी हो गई, वो हमारे पास हो गई अल्लाह बता करे मौजू हदीस। तो ये हमारे पास कैटेगरीज थी, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया मुझे एन लिखकर भेज सकता है कि सर मुझे समझ नहीं आया, और जिसको समझ आ गया वो चिल करे और हम लोग 1 मिनट के बाद इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट आप लोगों के पास पूछ सकते हैं, जो भी सवाल है वो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आई। इसके बाद अब हमारे पास है मुतवातिर। सर ये मुतवातिर के अंदर हमारे पास क्या है, तो आप ये बताओगे कि हमारे पास मुतवातिर हदीस क्या होती है। देखिए मुतवातिर हदीस वो हदीस होती है जिसमें नैरेटर्स बहुत ज्यादा हो। अब जब नैरेटर्स ज्यादा हैं, अगर गवाही ज्यादा मिल रही तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है। देखिये हमारे पास कैटेगरीज बनी हुई है, हदीस कुदसी भी सही हदीस हो सकती है, हदीस नबी भी सही हदीस हो सकती है, क्योंकि देखिए हदीस कुदसी और हदीस नबी के अंदर कहीं पर भी ये नहीं था कि उसमें टेस्ट देखे जा रहे हैं। हदीस नदी मौजू हदीस एक्सेप्टेबल नहीं है, मौजू हदीस एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कि सर ये जो हमारे पास है कि बात ये हो रही है कि हदीस कुदसी और हदीस नबी, हदीस कुदसी आपके पास कौन सी है जो अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं, हदीस नबी कौन सी है जिसमें प्रॉफिट के वर्ड्स हैं, वो दो अलग कैटेगरी। फिर हम कैटेगरी वाइज कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, 100% टेस्ट पास करिए तो सही कहलाएगी, 80% तो हसन कहलाएगी, फिर 60% तो ज़ईफ कहलाएगी, 20% तो मौज़ू कहलाएगी। फिर हम बात कर रहे हैं नैरेटर्स, अगर नैरेटर्स बहुत ज्यादा होंगे तो मुतवातिर कहलाएंगे, और मुतवातिर के अंदर भी दो कैटेगरीज है, एक हमारे पास है मुतवातिर इन मीनिंग और एक हमारे पास है मुतवातिर इन वर्डिंग, मुतवातिर इन मीनिंग एंड मुतवातिर इन वर्डिंग। तो मुतवातिर इन मीनिंग एंड मुतवातिर इन वर्डिंग आपके पास दो कैटेगरीज, दो कैटेगरीज के अंदर आप ये बताओगे कि मुतवातिर इन मीनिंग के अंदर मीनिंग हमारा क्या है, सेम है लेकिन वर्डिंग सेम नहीं। अब इसमें वो वाली एग्जाम्पल काम नहीं आएगी कि आपके अब्बू का नाम क्या और तेरे बाप का नाम क्या है, मतलब वैसे सेम है लेकिन वर्डिंग सेम नहीं है। मुतवातिर इन मीनिंग का मतलब ये कि कोई ऐसी हदीस होगी, जैसे किसी ने कहा कि प्रॉफिट ने फरमाया कि आपने जोहर के अंदर 4 सुन्नत पढ़नी, सही है, एक ने यह फरमाया कि 4 सुन्नत पढ़नी है जोहर की नमाज में, है एक ही एक्टिव पैसिव या समझ लो या कुछ भी, मतलब वर्डिंग चेंज है लेकिन उसका जो मीनिंग है वो क्या है, सेम है, कहने की बात क्या है, सेम है। किसी ने कुछ अल्फाज में कोट करा हुआ है, किसी ने कुछ अल्फाज में कोट करा हुआ है, तो हम इसको क्या कहते हैं, मुतवातिर इन मीनिंग। फिर हम बात करते हैं मुतवातिर इन वर्डिंग, मुतवातिर इन वर्डिंग क्या होता है कि मीनिंग भी सेम होता है और वर्डिंग भी सेम होती है, जैसे कि बिल्कुल वर्ड्स क्या होंगे, एग्जैक्ट हो जितने भी नैरेटर्स आ रहे हैं। जैसे कि अगर एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके पास नैरेटर नंबर 1 आया, उसने कहा कि इस प्रॉफिट ने फरमाया जोहर के अंदर 4 सुन्नत है, दूसरा बंदा आया उसने फरमाया कि प्रॉफिट ने फरमाया 4 सुन्नत है जोहर की नमाज में, फिर तीसरा बंदा आया उसने कहा कि प्रॉफिट ने फरमाया है कि सबसे पहले आपने 4 सुन्नत पढ़नी है, मतलब हर उसका क्या है, सेम, मतलब हर उसका क्या है, सेम, लेकिन वर्डिंग्स क्या थी, डिफरेंट। तो ये किसमें आ जाएगा, मुतवातिर इन मीनिंग। अच्छा पहला बंदा आया उसने कहा कि प्रॉफिट ने फरमाया जोहर में 4 सुन्नत पढ़नी, उसके बाद दूसरा बंदा आया उसने फरमाया प्रॉफिट ने फरमाया जोहर में 4 सुन्नत पढ़नी, तीसरा बंदा आया उसने बोला प्रॉफिट ने फरमाया जोहर में 4 सुन्नत पढ़नी, तो सबके मीनिंग ही सेम था, वर्डिंग ही सेम था, ये तो मुतवातिर इन वर्डिंग। अब बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा, ये बच्चे जो है ना इंग्लिश वाली चीज में चले जाते हैं,
वो बोलते हैं कि सर हमने सुना है कि जिस चीज की मीनिंग सेम होती है और जिसके वर्डिंग सेम नहीं होती तो हम उसको सिनोनिम्स कहते हैं, वो सिनोनिम्स और से याद कर लेते हैं। और फिर याद करते हैं कि सर मुतबादल इन वर्डिंग मतलब ये कि वर्डिंग सेम है तो मीनिंग सेम नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ये होमोफोन्स वाली बात नहीं हो रही, ये इंग्लिश वाली बात नहीं हो रही, वो बच्चे यह गलती करते हैं। मुतबादल इन मीनिंग में ये कि मीनिंग सेम है, वर्डिंग सेम नहीं है, मुतबादल इन वर्डिंग में दोनों चीजें क्या है, सेम। तो ये मुतबादल इन आपके पास मीनिंग एंड वर्डिंग। फिर हमारे पास है अहद, अहद हदीस वो हदीसें होती हैं जिसमें नैरेटर्स क्या होते हैं, कम। और इसकी भी तीन कैटेगरीज हैं, जैसे आपने उसकी कैटेगरीज पढ़ी थी ना वैसे इसकी भी आप कैटेगरीज पढ़ोगे कि हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी है मशहूर, दूसरी कैटेगरी है हमारे पास अजीज, और तीसरी हमारे पास कैटेगरी है गरीब। अब अगर मशहूर, अजीज और गरीब की बात करें तो मशहूर के अंदर जो नैरेटर्स हैं वो क्या है, तीन से ज्यादा है। कितने नैरेटर्स हैं, तीन से ज्यादा, इसमें नैरेटर्स कम है, तीन से ज्यादा, अगर चार है, तीन या चार है तो वो मशहूर मशहूर हदीस कहलाएगी, मतलब मशहूर, अल्लाह को इतना मशहूर हो गया। फिर हमारे पास क्या है, अजीज, अजीज क्या है, अगर सिर्फ दो नैरेटर्स, और गरीब भाई सिर्फ एक नैरेटर है, भाई तुम बहुत गरीब हो। तो हमारे पास क्या है, अहद वो हदीस है जिसमें नैरेटर्स क्या है, बहुत कम है, मशहूर में भी तीन से सिर्फ ज्यादा है, तीन चार होंगे, अजीज के अंदर नैरेटर सिर्फ दो है, गरीब क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक नैरेटर है, सही है। तो ये हमारे पास अहद हदीस है। सेवन और एट जो हदीसें हैं वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ नैरेटर्स है, नैरेटर्स ज्यादा होंगे तो मुतवातिर कहलाएगी और अगर नैरेटर्स कम होंगे तो अहद कहलाएगी। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, जिसको समझ नहीं आया वो मुझसे पूछ सकता है, और जिसको समझ आ गया है वो चिल करे, और जिसको समझ नहीं आया वो एन लिखकर भेज सकता है। अब मैं आप लोगों को सवाल दिखाने जा रहा हूँ, किसके सवाल किस तरीके से आएंगे पेपर के अंदर। अब देखें आपके पास सवाल क्या है, सवाल ये है राइट अबाउट द चेक्स मेड ऑन द ट्रांसमीटर्स ऑफ हदीस। अब मुझे बताएं ट्रांसमीटर्स ऑफ हदीस क्या कहलाते हैं, ट्रांसमीटर्स या नैरेटर्स ऑफ हदीस क्या कहलाते हैं, सनद होता है या मतन, जल्दी जल्दी बताएं। अगर सनद है तो एस लिख कर सब भेजो, और अगर मतन है तो एम लिख कर भेजो। ट्रांसमीटर्स ऑफ हदीस क्या कहलाते हैं, जल्दी जल्दी सबका जवाब आना चाहिए मेरे पास। जल्दी जल्दी सही 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 है, सनद कहलाता है, क्या कहलाता है, सनद कहलाता है, सही है। अब हमारे पास दूसरी जो चीज है वो क्या है, दूसरी चीज है ऑन द टेक्स्ट ऑफ हदीस। तो टेक्स्ट क्या कहलाएगा, मतलब ये चेक्स का पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने और टू इंश्योर दिया ऑथेंटिसिटी, मतलब ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस। आपने सबसे पहला पैराग्राफ क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन, के इन ऑर्डर टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस मुहद्दिथून क्लोजली स्टडी टू पार्ट्स ऑफ हदीस, सनद एंड मतन, सनद प्लूरल इसनद आदि चेक, वही सारी चीजें जो हमने पढ़ी, सही है। फिर अब हमारे पास क्या बताया, हमने सनद के चेक्स बताए, सबसे पहले हमने क्या बताया, सनद के पूरे चेक्स बताए, ये आपका पैराग्राफ नंबर टू जो है वो सनद के चेक्स बताए। फिर आपने पैराग्राफ नंबर थ्री के अंदर किसके चेक्स बता दिए, सारे के सारे चेक्स बता दिए मतन। तो आपने वही पैराग्राफिंग, आपने सबसे पहले क्या बताया, इंट्रोडक्शन, फिर सनद के चेक्स, और फिर आपने मतन के चेक्स बता दिए। दूसरा सवाल, राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ हदीस, चेन ऑफ ट्रांसमिशन इसनद एंड टेक्स्ट मतन। तो वही सवाल है, आपने पूरा आंसर सेम है क्वेश्चन नंबर। फिर हमारे पास है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द चेक्स, चेक्स या ऑथेंटिसिटी। तो हमारे पास क्या है, मेड ऑन द टेक्स्ट एंड द नैरेटिव्स ऑफ हदीस, सेम है क्वेश्चन नंबर वन। What measures were taken in early Islamic times to check the reliability, authenticity या reliability? एक ही बात है, same as question one. Past papers कराने का मकसद क्या है कि wording जब change होकर आए तो आप वहां पर पेपर में जाके ना बोलो कि सर हमने कितने कचरा टीचर से पढ़ा था कि जिन्होंने हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो ये चीज है, सही है। तो बेहतर ये कि आप लोग इतनी efforts करके जाओ कि आपको बाद में पछतावा ना हो। हदीस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज साउंड हदीस, सही हदीस, हसन हदीस एंड वीक हदीस, ज़ईफ हदीस। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक छोटा सा पैराग्राफ बनाओगे, उसके अंदर आप ये बनाओगे कि मुहद्दिथून जो है वो दो पार्ट्स क्या करते हैं, क्लोजली स्टडी करते हैं, एक होता है सनद और एक होता है मतन। और आपने इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि वो सनद को किस तरीके से चेक करता है, मतन को, बिल्कुल ब्रीफली, छोटा छोटा, सही है। फिर आपने बता दिया कि सही हदीस क्या होती है, फिर आपने बताया हदीस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सही, हसन एंड ज़ईफ। सर हमने फोर क्यों नहीं लिखा, हमने मौजू क्यों नहीं लिखा, बेटा पेपर में पूछा नहीं गया, अगर पूछा जाएगा तो हम मौजू भी लिखेंगे। फिर हमने क्या बताया, सही हदीस बताई सबसे पहले, फिर हमने हसन हदीस बताई, और फिर हमने ज़ईफ बताई। सर हमने पूछा तो सिर्फ सही, हसन, ज़ईफ था, तो हमने ये क्यों लिखा,
ये सारी जो पीडीएफ्स हैं ये आज सेंड होंगी, और दूसरी बात ये है कि आप लोगों की सारी पीडीएफ्स अपलोड हो चुकी हैं ड्राइव के फोल्डर में, जिस जिसके ड्राइव का लिंक है उसके से सारे आपको मिल जाएंगे नोट्स, टॉपिक 2.2 हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस, ये सारे नोट्स आपके पास ड्राइव लिंक में मौजूद है। तो कोशिश करें कि ड्राइव लिंक के अंदर ही आप लोग उसको लिंक का वो ले लें और इंशाल्लाह आपको सारी चीजें मिलेंगे। अच्छा, बच्चे का सवाल याद है कि सर मुझसे तो यहाँ पे सही पूछा था, हसन पूछा था, जईफ पूछा था, फिर मैंने ये इंट्रोडक्शन क्यों लिखा, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं थी, हमें तो ये हमारे टीचर्स ने बताया है कि हमें ये चीज की जरूरत ही नहीं होती, और हम क्या करें डायरेक्ट आंसर शुरू करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखें, कैम्ब्रिज में ज्यादा फालतू चीजों को लंबा करने की जरूरत नहीं होती। देखिए आपका कंटेंट वैसे ही बहुत कम हो रहा है, सही है, और इम्प्रेशन अच्छा लाने के लिए ज्यादा लिखने पे कभी भी मार्क्स नहीं कटते, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि सर हमारा टाइम तो जाया हो रहा है ना, देखिए हमारी जो मार्किंग स्कीम है ना उसमें भी ये लिखा हुआ है कि छोटा सा कि दो पार्ट्स चेक किए जाते हैं, उसके चेक्स होते हैं वो थोड़ा सा ब्रीफली, और अगर आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ोगे एग्जामिनर कमेंट्स में भी लिखा हुआ है कि बताओ, क्योंकि जब बहुत छोटी चीज पूछी जा रही है तो आप थोड़ी सी उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो। फिर हमारे पास है राइट अ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ द टर्म्स इस्नद एंड मतन ऑफ हदीस एंड द रोल दे प्ले इन एस्टैब्लिशिंग द जेन्युइननेस ऑफ हदीस, सेम एज क्वेश्चन 1। राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ हदीस एंड से हाउ दीस पार्ट्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सही हदीस। अब इसके अंदर वही सेम एज क्वेश्चन 1 होगा, लेकिन इसके अंदर आप एक लास्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस का छोटा सा पैराग्राफ बना दोगे। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद आपने क्या बताया, आपने पूरा बताया कि ये सनद के चेक्स होते हैं, फिर आपने थर्ड पैराग्राफ के अंदर पूरे मतन के चेक्स बता दिए, मतन के चेक्स बताने के बाद आपने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन रूल्स ऑफ मुहद्दिथून टर्म हदीस एस सही जेन्युइन हदीस ज़ईफ अर्थ, ये सब हम उसको वो करते हैं टर्म कर देते हैं। उसके बाद आपने बताया कि अगर वो हर टेस्ट पास कर रही है तो वो सही में आ जाएगी, अगर वो 80% तो वो वाली बात आपने बता दी कि बस थोड़ा सा एग्जाम्पल्स और नहीं देने की जरूरत। फिर सवाल है गिव एन अकाउंट of the parts that make up hadith and describe the checks made the to ensure the accuracy of their collection, to same as question number 7। आप इसको same as question number 1 भी कर दो ना तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा नहीं गया कि हम किस तरीके से उसको वो कर रहे हैं अलग कर रहे हैं। Describe how the compilers of the prophet checked the biographies of the transmitter and say why they thought it was important। तो सबसे पहले आपने क्या बता दिया कि हम दो पार्ट्स चेक करते हैं, फिर आपने चेक्स बता दिए, इसमें जो चेक्स पूछे गए हैं इस सवाल के अंदर वो सिर्फ ट्रांसमीटर्स के पूछे गए, सनद के पूछे गए, मतन के नहीं पूछे गए। तो आपने सनद के चेक्स बता दिए कि सनद के चेक्स होते हैं। सनद के चेक्स बताने के बाद आपने एक चीज यहाँ पर लिखी, वो क्या लिखी, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में ये पूछा गया कि सबसे पहले बताओ कि कंपाइलर्स क्या चेक करते हैं और किस तरीके से बायोग्राफी सनद किस तरीके से चेक करते हैं, आगे बता दिए। एंड से व्हाई दे थॉट इट वाज इंपॉर्टेंट टू डू सो, ये क्यों इंपॉर्टेंट था। तो आपने इंपॉर्टेंट बताया क्योंकि अगर सनद, सनद क्या है कि हम ट्रांसमीटर चेक कर रहे हैं, अगर सनद प्रॉफिट पे एंड नहीं हो रही इसका मतलब ये कि वो असली हदीस है ही नहीं। सनद अगर आपके पास इंसान अच्छा नहीं है तो वो झूठ बोल सकता है, फैब्रिकेट कर सकता है। तो ये सनद की हमने इंपॉर्टेंस बताई, वो हम इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को एक अंदाजा हो जाए। Sanad plural isnad are the chain of narrators which means support because it is the authority for the genuineness of hadith. Sanad is significant, important. Significant matlab hota hai important. To learn about the authenticity of hadith. To establish the genuineness of the first part of the hadith, it was essential to check the character of the narrator. Their memory, the age at which they narrated the hadith. Showing an understanding of whether they were at an age to understand what they were reporting. Maine aapko jaise example di ki agar ek bachcha 1 saal ka to wo thodi hadith narrate kar sakta hai. To isliye hum ye checks karte hain. Bearing in mind how important the biography of a transmitter was in order to collect only the authentic hadith, the compilers painstakingly went about their work so that future generation of Muslims were following what the prophet had actually said. क्योंकि अगर किसी की memory weak होगी या अगर कोई बंदा झूठा होगा तो गलत भी कर सकता है, क्योंकि आप जब caliphates पढ़ोगे तो सामने false prophets पढ़ोगे कि झूठे false, तो वो झूठी हदीसें बना सकते थे। फिर आप क्या बताओगे, had said and not some diluted version of his teaching. Hadiths are highly useful in explaining Quran, so passing on only authentic hadith was necessary to follow accurate teachings of Quran. Hadith also formulated laws, therefore it was necessary to have only authentic hadith. So humne sari uski importance bata di. What rules did the writers of six authentic hadiths Siha Sitta, jo hamari sunni kitabe hain wo six books hain hamare course mein aur char Shia books hain. To inhone kya pucha, dekho bachcha kya confuse ho jata hai jab ye sawal aata hai na, wo bolta hai Allahu Akbar, सर ने तो ये सियासत कराया नहीं था, सिक्स ऑथेंटिक बुक्स कराई नहीं थी, पेपर में आ गई। तो ये हमारे पास देखो सवाल क्या है, व्हाट रूल्स, आपने चेक्स ऑन सनद एंड मतन और ऑथेंटिसिटी टू इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस। तो सवाल हमेशा पूरा पढ़ा करें, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए चीजें डाले। राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हदीस के मुहद्दिथून के दो पार्ट्स होते हैं सनद मतन, एंड डिस्क्राइब द मेन मेथड यूज्ड बाय द कंपाइलर टू एस्टैब्लिश देयर जेन्युइननेस, सेम एज क्वेश्चन 1। What are different types of hadith and how is each hadith classified into different types? अब देखो इसके अंदर दो सवाल पूछेगा,
टाइप्स ऑफ हदीस भी बताओ और वो कैसे क्लासिफाई होता है। तो क्लासिफाई करने के लिए टेस्ट होता है, जो सबसे पहले आपने क्या बता दिया उसकी क्लासिफिकेशन बता दी, कि आपने बताया कि दो पार्ट्स होते हैं, फिर आपने छोटा सा से भी ये बता दिया कि ये चेक्स होते हैं, ब्रीफली बता दिया, फिर आपने सारी टाइप्स ऑफ हदीस बताई, सही हदीस बता दी, आपने हसन हदीस बता दी, आपने ज़ईफ हदीस बता दी, आपने मौजू हदीस बता दी, आपने मुतवातिर हदीस बता दी कि जिसमें नैरेटर्स क्या है ज्यादा, फिर आपने अहद बता दी। सर हमने हदीस कुदसी और हमने हदीस नबवी क्यों नहीं बताई, इसकी क्या वजह है कि हमने हदीस कुदसी और हदीस नबवी बताई? बेटा आपके कोर्स का पार्ट है लेकिन इसमें बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो इन्होंने बोला था कि आओ हिज ईच हदीस क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। अगर हम बात करें तो अगर चेक्स की बात हो रही है तो आप अगर देखो तो हदीस कुदसी और हदीस नबवी में पढ़ा था वर्ड्स का फर्क है, तो वो चेक्स में तो हम पता ही नहीं, उसमें तो हम चेक कोई वर्ड्स का तो कर ही नहीं रहे, नैरेटर्स का चेक करते हैं और मतन का चेक करते हैं। तो दोनों बातों में अगर हम मुतवातिर में देखो तो नैरेटर ज्यादा है तो नैरेटर वाली बात है, अहद में देखो तो नैरेटर कम है, फिर सही के अंदर ये कितने परसेंट टेस्ट पास कर लिया, तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड है इसलिए हमने लिखी। लेकिन हदीस कुदसी और हदीस नबवी भी हमें पता होना चाहिए, पेपर में आ चुका है 4 मार्क का सवाल कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हदीस कुदसी एंड हदीस नबवी, हाउ डिड द कंपाइलर्स ऑफ हदीस मुहद्दितून जज बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल हदीस, तो आपने उसके टेस्ट लिख दिए। डिस्क्राइब द मेथड्स एम्प्लॉयड बाय द कंपाइलर्स ऑफ द मेजर बुक्स ऑफ हदीस टू इंश्योर द हदीस दे कलेक्टेड वर ऑथेंटिक, तो आपने वो आंसर्स लिख दिए। तो होपफुली आप लोग सवाल समझ आ गए होंगे, 1 मिनट का आप लोग के पास टाइम है, जिस जिसको समझ नहीं आए वो मुझसे पूछ सकता है कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आई है, सही है। लेकिन अगर आप इसको एक गौर से ये बात देखें, देखें इसके 14 सवाल आ चुके, ये सबसे मोस्ट रिपीटेड सवाल है, ये देखें आपके सामने नवंबर 2009 के बाद जून 2010 का पेपर था, वो पेपर में आया, फिर अगर हम ऊपर जाएं तो जून 2010 के बाद कब आया, नवंबर 2012 में, फिर कब आया नवंबर, ये तो दूसरा वेरिएंट है, जून 2014 में, मतलब ये रिपीट होता रहता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और ये आपका बहुत ही एक मतलब फेवरेट टॉपिक है किसका, कि हमारे पास फेवरेट टॉपिक किसका, एग्जामिनर का, कि वो बहुत ज्यादा पेपर में पूछता है। तो ये हमारे पास टॉपिक क्या था, इंपॉर्टेंट के टाइप्स ऑफ हदीस और हमारी ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस, हमें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। Why was so much importance given to collecting and preserving authentic hadith? Authentic hadith को इतनी ज्यादा importance क्यों दी? हमें authenticity क्यों check करनी पड़ी? सबसे पहले बताओगे hadith जो words हैं वो किसके हैं? अल prophet के हैं। और इसकी कोई guarantee नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ये आपका second source of Islamic law है। ये कुरान को समझाता है, सही है? तो आप ये बताओगे कि अगर कोई चीज कुरान को समझा रही है तो उसके अंदर प्रॉफिट के एग्जैक्ट वर्ड्स होने चाहिए ताकि वो चीज ऑथेंटिक हो। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास ये है कि प्रॉफिट के जाने के बाद हमारे पास डिफरेंट फॉल्स प्रॉफिट्स है, तो हमें ये डर था कि वो लोग इस्लाम का शक्ल, इस्लाम की चीजें क्या कर देंगे, बदल दें, तो कोई चीज ऑल्टर ना हो जाए, तो इसलिए हमने क्या करा, उसकी ऑथेंटिसिटी हमने चेक करी। उसके बाद आप क्या बताओगे कि हमारे पास कि अगर हमें कुरान को सही तरीके से फॉलो करना है तो हमें हदीस प्रॉपर तरीके से चाहिए, सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है वो उसको एक्सप्लेन करे, जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ो, तो उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ कि नमाज कैसे पढ़ो, तो प्रे एज यू सी मी प्रे, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या बताओगे, फर्स्टली हदीस आर द वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट, अच्छा इसमें यह भी बता सकते हो कि ऑथेंटिसिटी हमने क्यों चेक करी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी कोई गारंटी नहीं दी। फर्स्टली अहादीस आर द वर्ड्स ऑफ द होली प्रॉफिट एंड द टीचिंग्स ऑफ द रिलीजन व्हिच ऑफन एक्सटेंडेड कुरान, thus Muslims needed to know the exact teachings which the prophet gave for which the prophet provided them should be authentic. Secondly, checking the authenticity of hadith is felt important due to the fear of alteration in the sayings of prophet, false prophets ki wajah se, which could result in loss of the true essence of Islamic theology or ideology. उसके बाद हमारे पास है thirdly, ahadith are the primary source when the Quran is silent and a secondary source after Quran, so that which makes it a prominent source of a legal thinking. Its authenticity is very vital so that no Muslim gets the wrong idea about Islam and it starts improper practice. What the Quran stated in belief, it was further elaborated by the Hadith. So Hadith therefore play a very important part in the understanding of the Quran, due to which their authenticity is very important. फिर हमारे पास क्या है? सवाल आएगा, both of these components, कौन से components की बात हो रही है? सनद और मतन की, are equally important for establishing the authenticity of Hadith. Do you agree? तो आप बोलोगे yes. Both components of hadith are equally important. आप क्या बताओगे कि हमारे पास ये दोनों equally important क्यों है? क्योंकि आप सनद की importance बताओगे कि अगर narrator मुसलमान होगा, अगर narrator मुसलमान नहीं है तो हम कैसे उसको follow कर सकते हैं? तो narrator क्या होना चाहिए? मुसलमान। अगर उस वो इंसान उसका conduct अच्छा नहीं है तो हम उस पर rely नहीं कर सकते, अगर वो झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ने कहा था believer can do anything but he can't lie, वो झूठ नहीं बोलेगा, तो हमारे पास ये चीज है। फिर ये क्या, अगर उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है तो हमारे पास गलत आ जाएगा, उसमें कोई एरर आ जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है।
मतन क्यों इंपॉर्टेंट है? कुरान के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकता, कभी भी प्रॉफिट के अंदर ऐसा नहीं होगा कि वो दो चीजें कहे, तो वो जेनुअन हदीस के अगेंस्ट नहीं जाएगा। फिर हमारे पास ये है कि अगर उसके अंदर कोई भी चीज लॉजिकल नहीं है, कॉमन सेंस के उसमें नहीं है, या फिर उसके अंदर कोई डिसरिस्पेक्ट है, तो हम उसको वो करेंगे। तो दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल अप्लाई नहीं होते तो इस्लाम का पूरा बेस ही क्या हो जाता, फैब्रिकेटर्स बदल देते। आप जब आप लोग पढ़ोगे तो उसके अंदर ये चीज पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि हमारे पास जो वहां के लोग थे, जब हमारे पास फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे तो उन्होंने नमाजें कम कर दी थी, 5 से कम कर दी थी, तो वो हमारे पास सारी चीजें। फिर सवाल है, इन योर ओपिनियन व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ कैरिंग आउट चेक्स? तो हमारे पास क्या चेक्स करने के वो है, तो वो सेम एज क्वेश्चन वन के हम बताएंगे हदीस की ये इंपॉर्टेंस है। फिर अगर व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी टू हैव ऑथेंटिक हदीस, सेम एज क्वेश्चन नंबर वन। व्हाट इन योर ओपिनियन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग हदीस, सेम एज क्वेश्चन नंबर वन। हाउ डज द मुस्लिम कम्युनिटी बेनिफिट बाय हैविंग जेन्युइन कंपाइलेशंस ऑफ हदीस, सेम एज क्वेश्चन नंबर वन। व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ हदीस, सेम एज क्वेश्चन नंबर वन। इन योर ओपिनियन व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ऑथेंटिक हदीस, सेम एज क्वेश्चन नंबर वन। तो ये हमारे पास क्या, ये सारी चीजें। इन योर ओपिनियन Why in your opinion it was important for them to apply these rules? कौन से rules? सनद और मतन के rules? तो आपने लिखा the logic behind these rules is very obvious. जो आपने पीछे आंसर पढ़ा वही आपने लिखा, और आपने लिखा कि अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो ये। अगर सवाल आ जाए कि इक्वली इंपॉर्टेंट है तो भी यही आंसर होगा, और अगर कहा जाए कि ये रूल क्यों हम अप्लाई करें तो हम दोनों चीजें बताएं। फिर हमारे पास है ट्रूली माई मर्सी ओवरकम्स माई रेथ, दिस इज हदीस कुदसी, वॉट इज स्पेशल हदीस अबाउट हदीस ऑफ दिस काइंड। तो आप क्या बताओगे कि इसके अंदर जो हदीस है कुदसी होती है वो डिवाइन हदीस होती है, जैसे कि इफ माय सर्वेंट लाइक्स टू मीट मी आई लाइक टू मीट हिम, इफ डिसलाइक्स टू मीट मी आई डिसलाइक टू मीट हिम, फास्टिंग इज फॉर मी एंड आई। अब इसके अंदर जो स्पीकर होते हैं वो कौन होते हैं? अल्लाह ताला होते हैं। इसके जो अंदर वर्ड्स होते हैं वो आई मी माय माइन इस तरीके से होते हैं, जो कि अल्लाह ताला की, और ये कैपिटल, अब कैपिटल तो वो इंसान के ऊपर है लेकिन वो हम कैपिटल में शो कर रहे होते हैं। फिर आप क्या बताओगे कि हमारे पास इसके अंदर ये कुरान का पार्ट जो है वो नहीं होता, और अल्लाह ताला उनको बता देते हैं ये कुरान का पार्ट नहीं है, और ये हमारे पास अल्लाह ताला रिवील कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये चीज है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स टू हैव कलेक्शंस ऑफ ऑथेंटिक हदीस, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर वन जो कि हमने करा। अब हमारे पास सवाल, एक सवाल मैंने आपको ऊपर छुड़वा दिया, व्हाई डू यू थिंक द चेन ऑफ नैरेटर इज गिवन सो मच इंपॉर्टेंस इन एस्टैब्लिशिंग इट्स जेन्युइननेस। तो आपने जो 10 मार्क में पढ़ा था ना कि व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट टू दिस,